भैया बहुत बिजी इंसान है, भैया हमारा काम हो गया, हम जा रहे हैं, हमने सीख लिया। Hey guys, welcome back to my channel, Sneha Sasdevan. I'm back with a new video. So I know, बहुत दिनों बाद vlog डाल रही हूँ, लेकिन आप लोगों को बता दूँ पहले ही, जो कि next month ही होने वाली है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को वो सारी preparation सब कुछ दिखाऊंगी, लेकिन अभी जो है वो मैंने इतने दिन से vlog से विसर ना रहा था, बस मेरी तबियत बिल्कुल ठीक नहीं थी, मैं हॉस्पिटल में भी गई थी एक आधे दिन के लिए, मतलब बिल्कुल ना वीकनेस हो गई थी बॉडी में, क्योंकि इधर उधर ट्रेवल करके चीजें ना बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है, बट ठीक है, नाउ आई एम टोटली फाइन। एंड अभी जो है मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मम्मा गई हुई है बाहर घूमने के लिए, अपनी बहनों के साथ में ट्रिप पे गई हुई है ऋषिकेश मसूरी, तो इसीलिए वहाँ पे वो घूमेंगी, तो हम लोग जो है वो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखो कशिश का पहले तो हेयर स्टाइल नया देखो, ये देखो ये इतने छोटे बाल कराया है, ये बढ़िया लग रही है लेकिन। तो अभी यहाँ पे घर में क्या बना रही है, आलू टोस्ट, देखो इसको यही आता बस बनाना, नहीं मैंने पराठा बनाया, अंडे की भुजी, मैंने तो नहीं देखा कहाँ है मेरी अंडे की भुजी, आकाश को बना जी वाह, आलू पराठा कश को खिलाया है, क्या बात है, जल्दी मेरे लिए बना दे, कुछ भूख लग रही है, बस बना रहा। तो गाइस अभी कशिश ने मेरे को दे दिया सैंडविच, ये इससे मिलता जुलता है ऐसे, और वो इससे मिलता जुलता है, अब मैं इसको खा लेती हूँ जल्दी से अलग अलग करके, मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है। अभी पता क्या था, मैं एक मिनी ब्लॉग शूट करी थी जिसमें मुझे ये हैम्पर रिसीव हुआ था, और कसम से पता क्या हुआ, हम लोगों ने मस्ती मजाक में मैंने कशिश के ऊपर ये स्प्रे मार दी और कशिश ने बदला ले लिया मुझसे, और पूरा का पूरा मुझ पे, मैंने इसको बोला कान में, मैंने कहा इधर ला, मैंने कहा रीमा के डालते हैं, हम दोनों ने जैसे उधर किया रीमा भागी, मैंने इसमें डाल दिया पूरा हमारी दीवार देख लो, आया से अब तूने मेरे को सारा गंदा कर दिया, मेरे को इतना काम था सारा का सारा देखना, इसने खराब कर दिया, मेरे फेस पे भी कर दिया यार पूरा, मेरे फेस पे भी घूमना आए थे, इसको पता है मेरे को काम होता तब भी सारा का सारा मार दूंगी, वापिस कर दूंगी मैं, कर दिया ना शुरू करा ना मेरा, मैं खराब करा ना, कर तो अपने आप मेरा सारे बाल खराब करे ना, मैंने कल सर धोया है तो देख ले, मैंने बाल भी खराब, मैंने भी कल सर धोया, अभी मारेगी ना तेरे को पूरा कलर 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 मार देगी, ऊपर से ध्यान रखियो बेटा, अब क्यों साफ कर, तू रुक तुझे बताता हूँ मैं, पीछे देख तो अपने साफ कर अब उसको, हमें दीवार पीछे तो चुप रहा तेरे को, और एक पीछे वाला दीवार जो साफ भी नहीं होगी, यार इसने मेरे को सारा गंदा कर दिया, मेरा सारा डेली का काम होता है, मैंने सोचा था होली के बाद नहाऊंगी, सीधा वापिस नहलाना पड़ जाएगा, पहली लो टीसू पहले नहलाएगी अभी। तो गाइज यहाँ पे बहुत ज्यादा धमाका हुआ, फिर कशिश मेरी बहुत ज्यादा लड़ाई हुई कि तूने क्यों किया, मैंने क्यों किया, अब पता है क्या, मेरा तो बेसिकली शूट होता है हर दिन मुझे नया वीडियो बनाना है, हर दिन कुछ ना कुछ करना है, तो उसकी वजह से ना मेरे को एक तो पहले तो मुझे कलर से एलर्जी है, टू बी ऑनेस्ट मुझे कलर्स की ना स्मेल से ही ना प्रॉब्लम होती है, मुझे छींके आती है, मैं कलर ज्यादा यूज नहीं करती, मैं होली खेलती ही नहीं हूँ बिल्कुल, ना के बराबर मैं होली बिल्कुल नहीं खेलती हूँ, लेकिन कशिश ने कर दिया, अब मेरी हो चुकी है हालत बुरी, मैं अभी जस्ट फिर से नहा करके आई हूँ, मैं नहा चुकी थी फिर मैं नहाई हूँ कि चल ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं नहा करके वापस चेंज करके आई हूँ, अभी भी मेरे बालों में कलर है, मैं जो बाहर से वॉश करवाऊंगी, कल ही मैंने हेयर वॉश करा था, तो अभी मैंने इसकी अनबॉक्सिंग पूरी की पूरी कर ली है, ये मुझे केजी भैया ने भेजा था, तो बहुत अच्छा बहुत ही प्यारा है, और अभी भैया ने ना मुझे सिलेंडर भी भेजने हैं, भाई मुझे कह रहे मैं तुम्हें सिलेंडर भी भेजता हूँ, तो मैं उसके साथ एक रील बनाऊंगी आज नहीं तो कल, पता है मुझे गुलाल से एलर्जी है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए मैंने फिर भी अनबॉक्सिंग किया कि चल ठीक है यार वीडियो भी बनाने रील भी बनाने, तो वो सब करूंगी, तो मैंने वो कर दिया, अभी कशिश उधर नहाने गई हुई है, मैं नहा के आ चुकी हूँ वापस, तो अभी इसका अनबॉक्सिंग मेरा डन हो चुका है, और साइड में आप टिश्यू देख सकते हो, ये देखो ये सारे टिश्यू से हम लोगों ने काम कर लिया, लेकिन ये हमारे जो कलर्स है ना ये बहुत काम आने वाले, ग्रीस कलर सब कुछ पिचकारी सब कुछ, तो गाइस अभी ये रही हमारी मर्सिडीज आप देख सकते हो, अभी मैं इसको पार्किंग से अपनी ले आई हूँ, और अब हम लोग जा रहे हैं इसकी पूजा करवाने के लिए, मैंने मेकअप नहीं कर रखा, तो अभी कशिश रिया मेरा मेकअप लेकर के आ रहे हैं, पहले मैं मेकअप कर लेती हूँ और उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे पूजा करवाने के लिए, इस टाइम पंडित जी मिल जाएंगे आराम से,
तो वो करवा लेते हैं, उसके बाद आराम से इसको चलाएंगे। और गलती से ना मुझसे एक और इश्यू हो गया, मुझसे मैंने ना गलती से इसके चाइल्ड लॉक लगा दिया। पीछे के दोनों दरवाजे जो है ना अंदर से खुलते नहीं है, तो मुझे अभी वहाँ पे भी जाना है फ्यूजन कार्स पे गौरव भैया से पूछने की कैसे हटता है चाइल्ड लॉक। वो कह रहे थे आज मैं तेरे को फीचर समझा देता हूँ सारे, कुछ चीजें इसमें नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं आती हूँ आपके पास, एक बार मैं पूजा करवा लूँ फिर मैं आती हूँ। तो गाइस अभी जो हम लोग लेने पहुंच गए हैं मिठाई, कशिश और रीमा गाड़ी में बैठे मिठाई ले लेते हैं क्योंकि पंडित जी के सामने तो मिठाई रखने, क्योंकि हमने जब गाड़ी ली तब तो हमने चॉकलेट्स वगैरह मीठा कर लिया था, बट वैसे अभी जो मंदिर के लिए ले रहे हैं तो वो ले लेते हैं। तो गाइस अभी प्यारी सी हमारी मर्सिडीज को हम लेके पहुंच चुके हैं पीछे मंदिर, और अभी चलते हैं अंदर दर्शन कर लेते हैं, जितने पंडित जी बाहर आएंगे फिर पूजा कर लेंगे। ले जाओ सब ले गए, चलो जाओ बाय बाय। ये हमारे चाइल्ड लॉक, अभी आ रही हूँ मैं घर, हम उतर नहीं सकते चाइल्ड लॉक, वो मैं सीख के आ रही हूँ फिर खोलूंगी। तो भाई पहुँच चुके हैं फ्यूजन कार्स गौरव भैया के पास। तो अभी जो है हम लोगों ने चाइल्ड लॉक हटाने किया, भैया ने बताया वो ना कपड़ा जब गाड़ी पे लगता है तब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो हमने अब ध्यान रखा में, बस अब वन प्रेस करके रखो। हाँ उसी एंगल पे आ जाएगी जिस पे आप ठीक है, मेरा ओके हो गया। तो भैया बहुत बिजी इंसान है, भैया हमारा काम हो गया हम जा रहे हैं, हमने सीख लिया। बहुत दिन बाद आई है स्नेहा। हाँ। देखो फ्यूजन कार पे नया स्टॉक आया, लैम्बो भी है, फरारी भी है, मुस्टैंग भी है, C300 भी क्या है। बात है, तो जिसको जो लेना है जल्दी आ जाओ। हाँ ठीक है अभी मैं जा रही हूँ, बाय 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 बाय।